कोलकाता में हुई निर्भया जैसी दरिंदगी का विरोध और पीड़िता को श्रद्धांजलि देने के लिए भोपाल में कांग्रेस के पूर्व महासचिव और युवा नेता इंजीनियर संजीव सक्सेना के नेतृत्व में कैंडल मार्च रैली निकाली गई। कांग्रेस के पूर्व महासचिव और युवा नेता इंजीनियर संजीव सक्सेना के नेतृत्व में कोलकाता की घटना को लेकर कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें सभी ने मिलकर श्रद्धांजलि दी और अपना विरोध दर्ज कराया। संजीव सक्सेना ने इस घटना पर शोक जताते हुए कहा कि क्या यही है हमारे देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले और अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले अमर शहीदों के सपनों का भारत, जहां हर दिन 60 महिलाओं के साथ और हर घंटे औसतन 4 महिलाओं के साथ बलात्कार जैसा घिनौना और अमानवीय कृत्य होता है। यह घटना सभ्य समाज के लिए बेहद शर्मनाक और दिल दहला देने वाली है। उन्होंने कहा कि इन अपराधों के खिलाफ हम सभी एकजुट होकर न्याय के लिए संघर्ष करने का संकल्प लेते हैं। साथ ही उन्होंने युवाओं का आह्वान कर संकल्प दिलाया कि वो अपने आसपास की महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचारों का पुरजोर विरोध करेंगे और ऐसे अपराधों को रोकने के लिए सजग रहेंगे। ये जो है वो शीतला माता जो युवा उत्सव समिति है, लोकेंद्र स्वास्तिक और उनके समस्त साथियों द्वारा इस शहीद स्मरण यात्रा तिरंगा रैली का आयोजन किया और ये बहुत ही सुंदर एक मैसेज दिया इन्होंने। साथ ही इसका समापन जो किया उसमें हमारे भारत को प्रतंत्रता की बेड़ियों से आज़ाद कराने के लिए जिन शहीदों ने पूरे जीवन भर संघर्ष किया और अपने प्राणों को भी न्योछावर करने से नहीं चूके, हंसते हंसते कम उम्र में भी शहीद भगत सिंह जैसे हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी फांसी के फंदे पर झूल गए, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जिन्होंने स्वयं को गोली मारने में भी न चूके लेकिन अंग्रेज़ों को अपना शरीर नहीं सौंपने दिया, महारानी लक्ष्मीबाई जिन्होंने स्वयं अपना जो है शरीर का दाह करवा दिया लेकिन उन्होंने कहा नहीं अंग्रेज़ों को उनका शरीर ना मिले, महात्मा गांधी जिन्होंने पूरा जीवन अपना समर्पित कर दिया, सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज बना के अंग्रेज़ों की नाक में दम कर दिया जिनके कारण आज हम सब स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, ऐसे समस्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को आज हमने याद किया, उनको श्रद्धांजलि दी। साथ ही बुधवार को जो सीमा पर डोडा में जो हमारे शहीद हुए उनको हमने श्रद्धांजलि दी। 16 जुलाई को भी ब्रजेश थापा, ब्रजेश सिंह जो 4 शहीद हमारे सीमा सुरक्षा करते हुए शहीद हो गए उनको भी हमने श्रद्धांजलि। साथ ही साथ जो सबसे बड़ी बात है, जो एक प्रश्न हमने स्वयं से पूछा और समाज में भी इसको फ्लोट किया कि क्या यही भारत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सपने का भारत है, क्या शहीद भगत सिंह के सपने का यही भारत है, क्या महात्मा गांधी के सपने का यही भारत है। आज इस भारतवर्ष में हर दिन 90 महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, हर घंटे 4 महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है और हमने उस हमारी बहन जो कोलकाता में जो केजी कर मेडिकल कॉलेज में उसके साथ 8-9 अगस्त की दरमियानी रात को दरिंदगी की सीमा तोड़ दी, दिल्ली में जैसा निर्भया कांड हुआ था उससे भी भीभत्स कर दिया, उसका जब पिता ने लिखा है अपना आंखों देखा हाल कि जब उसने बेटी की लाश देखी तो उसके दोनों पांव जो है पेल्विस बोन को तोड़ते हुए राइट एंगल पर थे, उसकी आंखों में चश्मे का शीशा घुसा हुआ था, गले पर निशान थे और सब कुछ देखा, मेरे बोलते हुए भी शर्म आ रही है। आज जो है क्या इसी आज़ाद भारत में हम जो जी रहे हैं वो उन्हीं के सपनों का भारत है जिनकी जान की कॉस्ट पर हमें ये आज़ादी मिली है। हमने संकल्प लिया, आज हम हर साल इसको संकल्प दिवस के रूप में मनाएंगे, हजारों की संख्या में जहां युवा आए उन्होंने संकल्प लिया कि जहां जहां वो महिलाओं पर छेड़छाड़ या अत्याचार की घटना देखेंगे सुनेंगे वहां जाके अपना जीवन लगा के उस घटना को रोकेंगे, इसका संकल्प लिया। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।